पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से नीचे जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामले रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। रोजाना 7000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली के अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है। अस्पतालों में खाली बिस्तरों की संख्या तेजी से कम हो रही है और ओपीडी में लोगों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही निजी अस्पतालों और केंद्र सरकार के संस्थानों में वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बिस्तर भर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि जल्द ही मामलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति भी बिगड़ रही है। सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बाजारों और दुकानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में लापरवाही के कारण कोरोना के मामलों में उछाल आया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों पर देखें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 7745, पिछले 24 घंटों में कोरोना से मौत का आंकड़ा 77। राजधानी में कुल एक्टिव केस 41,857, दिल्ली का रिकवरी रेट 88%। राजधानी दिल्ली में कुल कोरोना केस 4,38,529, दिल्ली में हुए कुल टेस्टिंग की संख्या 50,00,000, पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीज 6,069, कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,89,683। राजधानी में कोरोना से कुल मौतें 6,989, 1 से 7 नवंबर तक कोरोना से मौतों की संख्या 427। आपको बता दें, राजधानी में बढ़ रहे कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई तर्क दिए हैं। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की ये तीसरी लहर है और इसका कारण है राजधानी में अनलॉक के नियमों में ढील और त्योहारी मौसम। इसके साथ ही मंत्री ने मास्क पहनने के महत्व को भी दोहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।